हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आई होप गाइस अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। गुड आफ्टरनून। तो इस रीडिंग में चेक करने वाले हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स करेंटली क्या है, अभी इस वक्त क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर आपके बारे में या आपके रिश्ते के बारे में, क्या है उनकी वर्तमान भावनाएं। चलिए उनसे कनेक्ट होने की कोशिश करें आप। साथ ही यूनिवर्स से प्रे जरूर कर लीजिएगा कि वो आपको इस रीडिंग के थ्रू सही गाइडेंस दे, आपको क्लैरिटी प्रोवाइड करें। तो क्या है आपके पार्टनर की फीलिंग्स राइट नाउ, अभी इस वक्त क्या सोच रहे हो आपके बारे में। टेन ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पिसेस। काफ़ी सारे लोगों का आप दोनों के बीच ऑलरेडी यूनियन हो चुका है, आप दोनों साथ में आ चुके हो, आप दोनों हैप्पी फैमिली की तरह रह रहे हो, आप दोनों का हैप्पी फैमिली है या तो हैप्पी फैमिली का ख्वाब देख रहे हैं। आपके पर्सन सोच रहे हैं आप इनके होम हो, आप इनके घर हो, आप इनके सुकून हो, आप वही हो जो इस पर्सन को फैमिली वाली फीलिंग्स देते हो, आप वही हो जिसके साथ ये पर्सन काफ़ी सेफ फील करते हैं, जिसके साथ ये पर्सन फ्यूचर देखते हैं। ये पर्सन आज फील करेंगे, ये नहीं भग सकते आपसे, आपके प्यार से, इस रिश्ते से। जितना आपका प्यार है, आपके प्यार से भग पाना इस पर्सन के लिए बहुत मुश्किल है। कितना भी ज़्यादा ये गैर जिम्मेदार हो, केयरलेस हो, केयर फ्री हो आपको लेकर, या डिस्ट्रैक्शन हो इस पर्सन का, पर आपका प्यार इस पर्सन को खींच ही लाता है, आपका प्यार इस पर्सन को अट्रैक्ट कर ही लेता है। जो आप इनको प्यार देते हो, जो आप इनको केयर करते हो, जो आप इनके लिए करते हो ना, वो अनमोल है इस पर्सन के लिए। शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, ये भी पर्सन बखूबी जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं, समझते हैं। और क्या है इस पर्सन की फीलिंग्स, और क्या सोच रहे हैं राइट नाउ आपके बारे में। आपके पार्टनर सोच रहे हैं जब आप दोनों की शादी हो जाएगी कितने खुश रहोगे आप दोनों। आपके पार्टनर राइट नाउ आपको इमेजिन कर रहे हैं, विजुलाइज कर रहे हैं, आप दोनों हस्बैंड वाइफ हो, आप दोनों का बेबी है, वन गर्ल एंड वन बॉय, और आप दोनों बहुत खुश हो, फैमिली बहुत खुश है, आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश हो। एक नई शुरुआत, ये कब होगी यार, आखिर कब होगी ये नई शुरुआत, कब होगा इनका सपना पूरा, हैप्पी फैमिली का जो इस पर्सन ने सपना देख रखा है वो आखिर कब पूरा होगा, ये इस पर्सन की फीलिंग्स है। और क्या है इनकी फीलिंग्स, एक नई शुरुआत के बारे में सोच रहे हैं, कर लेना चाहिए, और ये नई शुरुआत हैप्पी फैमिली का ही है, कंप्लीशन का ही है। बिल्कुल गाइस, इस पर्सन को नई शुरुआत करने की ज़रूरत है। ये वही पर्सन है जो पर्सन ने आपसे मुंह मोड़ा था, जिस पर्सन ने फैसला लिया था, जिस पर्सन का खुद का डिसीजन था आपसे मूव ऑन करना, कहीं और जाना, और यही पर्सन अब आपके साथ हैप्पी फैमिली चाहते हैं। आपको बिलीव नहीं हो रहा होगा, जो पर्सन हमारे लाइफ से गए, जिस पर्सन का खुद का डिसीजन था, वो कैसे हमारे साथ हैप्पी फैमिली का सपना देख सकते हैं, जबकि डिस्ट्रैक्शन रहा है उस पर्सन का, या उस पर्सन का हमारे लिए प्यार नहीं था, उस पर्सन की लाइफ में तो ऑलरेडी कोई और है, तो ऐसे कैसे हो सकता है, या आपकी फीलिंग्स हो सकते हैं। पर ये रीडिंग में आप खुद ही देख सकते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स है आप क्या है। यस, जो पर्सन आपकी लाइफ से गए थे वो खुद नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ, वो पर्सन खुद हैप्पी फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं आपके साथ, क्योंकि ये पर्सन राइट नाउ हार्ट ब्रोकन है, ये पर्सन बहुत दर्द में है आपसे बिछड़ कर। हो सकता है आपको धोखा दिया, आपको चीट किया, और किसी और ने इस पर्सन को धोखा दिया, चीट किया, जो इस पर्सन ने आपके साथ किया वही इस पर्सन को मिला, कर्मा इस पर्सन को मिला, ठीक है। इस पर्सन का डिस्ट्रैक्शन, इस पर्सन का फ्लर्टी नेचर, इस पर्सन का डिसलॉयल, डिसऑनेस्ट रहना बहुत भारी पड़ गया। आज ये पर्सन अंधेरे में है, आज इस पर्सन को अकल आई है, आज इस पर्सन को समझ आई है प्यार कहाँ पर है, लस्ट कहाँ पर है, किसके साथ खुशी है, किसके साथ क्या है, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है। यही एक रीजन है जो ये पर्सन हैप्पी फैमिली का एक सपना देख रहे हैं, नई शुरुआत करने का, ठीक है। और क्या है इस पर्सन की फीलिंग्स और थॉट्स, बातचीत करना चाहते हैं गाइस। एट की एनर्जी मिला है, टेन टेन की एनर्जी मिला है, कंप्लीशन होने जा रहा है, डेफिनेटली बातचीत होगी, ये पर्सन खुद आपको कांटेक्ट करेंगे। आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है, आपने बहुत कर लिया ऑलरेडी, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये पर्सन खुद ही आपकी ओर आएंगे, पर्सन खुद ही आपको कॉन्टैक्ट करेंगे, आपसे बातचीत करेंगे, मिस्टेक्स किया है तो गलती का आपसे माफ़ी मांगेंगे,
ओके, और आपसे चांस मांगेंगे, मौका मांगेंगे, कम्युनिकेट कम्युनिकेशन करेंगे आपसे, तो आपको कुछ नहीं करना है. ओके, और क्या इस पर्सन की फीलिंग्स राइट नाउ. देखिए एक नई शुरुआत आखिर कब होगी, कब होगी, कब होगी, इस वाले एनर्जी में है. नई शुरुआत करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं पर कर नहीं पा रहे हैं. ये पर्सन बुरा बुरा ख्वाब देख रहे हैं कि आपने अपनी लाइफ एक नई शुरुआत कर लिया है, आपकी शादी कहीं और हो गई है या होने जा रही है. इस पर्सन ने आपको खो दिया है, आपने मूव ऑन कर लिया है, आपकी लाइफ में कोई और आ गया है. ये पर्सन इनसिक्योर हो रहे हैं ये सोचकर. इस पर्सन को बुरा ख्वाब आ रहा है, ठीक है, बुरे सपने आ रहे हैं इस पर्सन को कि आपकी लाइफ में कोई और आ गया है, तो काफ़ी इनसिक्योर फील कर रहे हैं. आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं पर कर नहीं पा रहे हैं राइट नाउ. इस चीज़ का अफसोस हो रहा है इस पर्सन को. और क्या सोच रहे हैं, क्या होगा इस पर्सन का एक्शन. वाओ, वहाँ पर कंप्लीशन है और यहाँ पर फोर ऑफ वांड्स है. शादी, आखिर किसके शादी होने जा रही है जो रीडिंग्स में इतना आ रही है, किसकी शादी. कॉन्ग्रेचुलेशंस, अगले 4 महीनों के अंदर, 4 to 10 weeks या मंथ्स के अंदर आपकी शादी हो जाएगी इस पर्सन से. अगर ये आपके लिए राइट हैं, आप इनके लिए राइट हो, तो सेकेंड चांस मिलेगा आपके रिश्ते को. रियलाइजेशन इस पर्सन को हो रही है, चाहे आपके मैरिड पार्टनर हैं चाहे आप दोनों अनमैरिड हो, ठीक है. आप दोनों की शादी होने जा रही है या आप दोनों वापस से साथ में आ रहे हो, आप दोनों हैप्पी कपल, हैप्पी फैमिली की तरह रह रहे हो, एक नई शुरुआत हो रही है. ओके गाइस, ये पर्सन यही चाहते हैं, इस पर्सन का यही एक्शन होगा. ओके, ये कार्ड निकालते वक्त मेरे माइंड में यही आया था, इस पर्सन का एक्शन क्या होगा आपके लिए. ओके, तो इस पर्सन का एक्शन यही होगा आपके लिए, शादी, हैप्पी हैप्पी फैमिली. ओके, पर इससे पहले ये पर्सन आपसे दूर होंगे, इससे पहले आपको इस पर्सन से दूर जाना होगा, या तो आप दूर जाओगे, आप मूव ऑन करोगे. यस, आप मूव ऑन करोगे. जब आप मूव ऑन करोगे, लाइफ में आगे बढ़ोगे, अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत करोगे, फोकस इनसे हटाकर किसी और चीज़ पर करोगे, खुश रहोगे, हैप्पी रहोगे, तब ये पर्सन समझेंगे, तब ये पर्सन आपकी अहमियत जानेंगे. गाइस, तो मूव ऑन कैसे, अगर आपने नहीं किया है तो क्यों इस बात का टेंशन लेना कि मेरे होंगे कि नहीं, मेरी से शादी होगी कि नहीं, हम एक हो पाएंगे कि नहीं, ये वापस लौट कर आएंगे कि नहीं, क्यों क्यों टेंशन लेना. यू डोंट वरी, जो आपका है वो आपका ही होगा, या होगी एक दिन, वापस साथ में आ ही जाओगे. तो वो कीजिए, मूव ऑन कीजिए, लाइफ में आगे बढ़िए जाइए, ठीक है, मूव ऑन कीजिए. क्योंकि जब आप लाइफ में आगे बढ़ोगे, जब आप मूव ऑन करोगे, तभी ये पर्सन आपकी अहमियत जानेंगे, आपकी इंपॉर्टेंस जानेंगे कि आप क्या मायने रखते हो, आप क्या हो इस पर्सन के लिए, तब ये पर्सन आपके पीछे ही आएंगे नई शुरुआत करने के लिए, ठीक है. तो ये होगा, ये इस पर्सन की फीलिंग्स, ये होगा इस पर्सन के एक्शन आपके लिए. तो ये है आपकी रीडिंग, उम्मीद करती हूँ आपको कुछ ना कुछ क्लैरिटी मिली होगी. लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा. अपना खुद का प्राइवेट रीडिंग बुक करना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप चेकआउट कर सकते हो. बाय गाइस, टेक केयर, हैव अ गुड डे.